हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 8 फरवरी 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज़ में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ कुछ एमसीक्यूज़ है वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है मेनली सोलर सिटी स्कीम के बारे में। तो देखते हैं कि सोलर सिटी स्कीम क्या है और क्या इसके लिए पॉइंट हमारे लिए यूपीएससी एग्जाम में पूछ सकती है। तो सबसे पहली बात है कि सोलर सिटी जो स्कीम है वो मेनली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा लेके गई है। अब इस स्कीम में प्रावधान क्या किया गया है, इस स्कीम में देखो ये प्रावधान किया गया है मेनली कि हमारे देश के अंदर जो एक्चुअली परंपरागत ऊर्जा की जो मांग है, बढ़ रही मांग है, उसको कम करना है और जो सोलर एनर्जी है इस पर ज़्यादा फोकस करना है। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस बढ़ाना है और जो परंपरागत संसाधन है, फॉसिल फ्यूल वगैरह है, लकड़ी वगैरह, इनके ऊपर हमारी निर्भरता है वो कम करनी है। सोलर सिटी का अभियान जो स्कीम है उसलिए लेके आई है गवर्नमेंट, ताकि देखो क्या कि हमारी सिटीज़ के अंदर क्या है कि अर्बन एरिया में काफ़ी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों की समस्या वो भी बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि अगर फॉसिल फ्यूल का यूज़ ज़्यादा किया जाएगा तो ग्रीन हाउस गैस की समस्या और ज़्यादा बढ़ेगी। तो क्यों ना अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस करें, और इसीलिए गवर्नमेंट है वो सोलर एनर्जी की तरफ फोकस कर रही है। तो देखो एक चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है यहाँ पे कि सोलर सिटी में जो स्कीम है गवर्नमेंट, इसमें केवल गवर्नमेंट सोलर एनर्जी पे फोकस नहीं कर रही है, इसमें और जो बाकी एरिया जैसे विंड एनर्जी है उस पर भी गवर्नमेंट फोकस कर रही है। इसके साथ ही जैसे जो म्यूनिसिपल वेस्ट होता है, जो म्यूनिसिपल का वेस्ट आता है, उस वेस्ट को भी यहाँ पे यूज़ किया जाएगा एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो एक तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी हुई, इन चीज़ों के ऊपर यहाँ फोकस किया जा रहा है, केवल सोलर एनर्जी पर ही नहीं। इसके बाद ये जो गवर्नमेंट स्कीम है यह मेनली 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत लेके आई थी, बट देखो उस टाइम पे तो इंप्लीमेंट हो नहीं पाए, काफ़ी डिले हो गया। तो अभी गवर्नमेंट इससे न्यूज़ में आई है, वापस इंप्लीमेंट करने जा रही है, और इसके तहत गवर्नमेंट है वो अप्रोक्सीमेट 60 के आसपास सिटीज़ हैं उनको सोलर सिटी बनाने की कोशिश कर रही है। तो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया, क्या इसमें पॉइंट्स हैं, वो हमने एक एक करके देख लिए। सबसे अहम बात इसमें यही है कि इसमें केवल सोलर एनर्जी पर फोकस नहीं किया जा रहा है, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उन पर फोकस किया जाएगा। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब चलते हैं हम आगे। देखो जो न्यूज़ आई है वो आई है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के बारे में, तो इसके बारे में जो पॉइंट्स हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ में एक्चुअली है कि जो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान है यह मेनली जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि गोवा की जो एक साल रिवर है उसके बारे में कल हमने क्वेश्चन भी पूछा था। तो गोवा के जो साल रिवर है उसके वो अभी गवर्नमेंट है वो कंजर्वेशन प्रदान करना चाहती है, मतलब उसको थोड़ा संरक्षित रखने के लिए गवर्नमेंट यह स्कीम है वो न्यूज़ में आई है। अब देखो इस प्लान में है क्या, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान में इसमें गवर्नमेंट ने यह प्रावधान रखा है कि जो हमारे देश की नदियाँ हैं वो काफ़ी पोल्यूटेड होती जा रही है, मतलब काफ़ी प्रदूषण उनमें बढ़ता जा रहा है। तो गवर्नमेंट उनमें प्रदूषण की समस्या है उसको रोकने के लिए, उन्हें साफ रखने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा यह प्लान है वो लेके आया गया था। सबसे अहम बात यह कि यह जो प्लान है वह 1995 में लेके आया गया था और गवर्नमेंट इसी दिशा में इस रिवर पे साल रिवर पे भी फोकस कर रही है। तो देखो साल रिवर के ऊपर जो क्वेश्चन था वो आपको याद रखना है कि साल है वो मेनली जो गोवा की एक रिवर है जो कि नॉर्थ गोवा टू साउथ गोवा की तरफ बहती है और मेनली अरब सागर में जाके गिरती है। तो कुछ बेसिक पॉइंट है उसका, वो चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये गोवा एरिया है इसमें नॉर्थ टू साउथ बहती है फिर अरब सागर में जाके गिरती है, इसकी कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। इसके साथ ही क्यों भी न्यूज़ में हमने डिस्कस कर लिया और नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान भी देख लिया कि 1995 में आया था। इसके प्रावधान ही है कि जो देखो सीवरेज ट्रीटमेंट या सैनिटेशन वगैरह जो पब्लिक अवेयरनेस है उसको बढ़ाना, क्योंकि हमारे देश में सीवरेज ट्रीटमेंट का ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं होता है, इसकी वजह से हमारे देश की नदियाँ काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाती हैं। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो आई है वर्ल्ड गवर्नमेंट सबमिट के बारे में। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट सबमिट क्या है ये देख लेते हैं। तो देखिए है मेनली अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं वो वेस्ट एशिया की यात्रा पे जाने वाले हैं, तो उसी दौरान ये वेस्ट जो वर्ल्ड गवर्नमेंट सबमिट है ये आयोजित किया जा रहा है 11 से 13 फरवरी के बीच में। तो तभी यह न्यूज़ में है तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखो एक चीज़ तो हमें यहाँ पे अच्छे से ये ध्यान रखनी है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट सबमिट है यह एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और इसका अभी एक सबमिट हो रहा है तभी यह न्यूज़ में है, और यह हर साल होता है एनुअली, यह दुबई में यूएई में आयोजित किया जाता है, मतलब हर साल दुबई में आयोजित किया होता है, यह हमें ध्यान रखना है। एक एनजीओ है जो कि दुबई में इसके सम्मिट है वो आयोजित होता है। इसमें किस चीज़ पे फोकस किया जाएगा, देखो वर्ल्ड गवर्नमेंट सम्मिट है उसमें भारत के प्रधानमंत्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यह हमें ध्यान रखना है। इसके साथ ही इसमें फोकस किया जाएगा भविष्यवाद पर, जैसे कि इनोवेशन पे, टेक्नोलॉजी के आगे में कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से हम आगे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ सकते हैं, इन चीज़ों पर इसमें फोकस किया जाएगा। मेन बात इसमें सीधी सी यही है कि नॉलेज को एक्सचेंज करने के लिए एक तरीके से यह हब है, ताकि इसमें डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं, वो यहाँ पे आएंगी और आपस में जो अपना नॉलेज है वो से आदान प्रदान करेंगी, और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए है इस पर, इस चीज़ पे फोकस किया जाएगा। तो इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट है वो देख लिया, हमें यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना इसमें कि एक एनजीओ है, क्योंकि ये यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज़ कर सकता है, एग्जाम में यूपीएससी से पूछ सकती है।
और देखो रही सबसे अहम बात ये कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है 2018 का कल ही, तो उसके बारे में आई होप आपको पता चल गया होगा कि वैकेंसीज वगैरह वो आ गई हैं। सारी डिटेल्स आप यूपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप देख सकते हो। और देखो कल मैं जो पीडीएफ है, जो मर्जर फाइल है मेनली जनवरी की, वो मैं डालना भूल गया था लिंक उसका, तो मैं आज उसका लिंक है वो आज श्योर ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना। इसके साथ जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट है वो है welcomeupsc.com, वहाँ से आप देखो जो भी लिंक वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको वेबसाइट में जो भी फ्यूचर से अपडेट वगैरह होते हैं तो उनके लिए आपको कोई वेबसाइट है उसमें अपनी मेल आईडी के द्वारा सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको जब भी कोई वेबसाइट में अपडेट वगैरह कुछ भी नई न्यूज़ ऐड की जाती है तो आपको मेल के द्वारा उसका नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। तो कुछ बेसिक चीज़ें ही आप वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में जो भी मेल वगैरह कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो वो वहाँ से तुरंत मिल जाए आपको, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ आई है वो मेनली सोनल सिटी की देख लिया। अगली न्यूज़ है वो है डिजिटल जेंडर एटलस के बारे में, तो देखते हैं क्या है डिजिटल जेंडर एटलस। देखो हमारे देश में गवर्नमेंट है वो सर्व शिक्षा अभियान लेके आई थी 2001 के टाइम पे, तो गवर्नमेंट का ये प्रावधान था कि भाई सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूलिंग है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, मतलब कि बच्चों को स्कूल में एनरोलमेंट है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, और इसी के तहत गवर्नमेंट मिड डे स्कीम लेके आई थी ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में जाएँ। बट देखो हुआ क्या हुआ, ये कि बच्चे स्कूल में जाने लग गए बट धीरे धीरे ड्रॉप आउट भी बढ़ने लग गया। और हुआ है मेनली ये कि प्राइमरी स्कूल में बच्चों का स्कूलिंग मतलब जो इनरोलमेंट है वो बढ़ा, फिर अपर प्राइमरी में थोड़ा उससे कम बढ़ा, बट हुआ क्या कि सेकेंडरी लेवल पे जो प्रॉब्लम्स है वो आई स्कूल गर्ल्स की, कि सेकेंडरी लेवल पे जो गर्ल्स है उनकी स्कूलिंग काफ़ी कम हुई, मतलब उनका इनरोलमेंट बहुत कम हुआ है, जितना उम्मीद की गई थी उतना इनरोलमेंट नहीं हुआ है सेकेंडरी लेवल पे गर्ल्स का। तो गवर्नमेंट अब ये देखना चाहती है कि भाई हमारे से गलती कहाँ हुई, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे एक्चुअली मतलब जो गर्ल्स हैं वो स्कूल में नहीं जा पा रही हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो सेकेंडरी स्कूल्स की गर्ल्स हैं वो उसके क्या रीजंस हैं, तो उन एरिया को गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करना चाहती है। और मेनली जो SC ST और जो माइनॉरिटीज क्लास हैं उनको गवर्नमेंट फोकस कर रही है, क्योंकि वो उनके जो SC ST और जो माइनॉरिटी क्लास की जो गर्ल्स हैं वो देखो जो सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन है वो प्राप्त नहीं कर पा रही हैं, स्कूलिंग नहीं जा पा रही हैं, तो उनका इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ये ध्यान दे रही है कि भाई आखिर जो कौन कौन से ऐसे ज्योग्राफिकल एरिया हैं जहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं सेकेंडरी लेवल के, तो उसके लिए HRD ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा एक ज्योग्राफिकल एरिया की पहचान करने के लिए एक एटलस या एक बोल सकते हो इसका निर्माण है वो किया गया है। इसमें उन एरियो की पहचान की जाएगी, उसके बाद उस एरियो में यूनिसेफ की हेल्प से एक्चुअली उनको प्रमोट किया जाएगा, वहाँ पे एजुकेशन के जो भी रीजन्स हैं कि कौन कौन सी कमी है उनको दूर किया जाएगा। तो मेनली गर्ल्स की स्कूलिंग जो कम है सेकेंडरी लेवल पर उसको बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया गया है। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो है अग्नि फर्स्ट मिसाइल के बारे में। तो जो अग्नि फर्स्ट मिसाइल है यह स्वदेशी मिसाइल है और सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। न्यूज़ में अभी ये आई है, इसलिए आई है क्योंकि इसका अभी सफल परीक्षण हो किया गया है। तो देखो मिसाइलों का बार बार गवर्नमेंट परीक्षण करती रहती है ताकि देखो उनकी टाइम टू टाइम एक तरीके से आप बोल सकते हो कि उनकी जो नई फीचर्स वगैरह अपडेट होते हैं उनको सबको भी चेक वगैरह किया जा सके। तो इसमें UPSC पूछ सकती है कि अग्नि फर्स्ट मिसाइल के बारे में, तो एक तो ये ध्यान रखना है कि स्वदेशी है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसकी रेंज है वह 700 किलोमीटर। और अभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रिसेंटली भी गवर्नमेंट ने एक नई अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया था, उसकी मैक्सिमम रेंज है वो क्या है, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट बात यह थी कि न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, मतलब इसमें न्यूक्लियर जो वार हेड है वो भी ले जाया जा सकेगा, न्यूक्लियर लेसेज है या मिसाइल है। तो उसमें बेसिक चीज़ें थी, दो तीन पॉइंट वो हमने यहाँ पे देखे। आगे जो न्यूज़ आती है वो ये एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के बारे में। तो यह मेनली इकोनॉमी का टर्म है, अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट है वो साइन किए हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं क्यों काफ़ी अच्छा पॉइंट है। सबसे पहली बात है कि फाइनेंस एक्ट 2012 के तहत इंडियन गवर्नमेंट ने इसे इंक्लूड किया था, और यह मेनली जो टैक्स पेयर और जो टैक्स अथॉरिटी होते हैं उसके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। अब क्या होता है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि ट्रांसफर प्राइस होती क्या है। देखो इससे हम एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे, आप एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना। आप ये समझ सकते हो कि कोई भी जैसे एक नोटबुक है, मान लो कि कोई क्लासमेट की नोटबुक है वो बाहर से इंपोर्ट की जा रही है इंडिया में और उसको बेचा जा रहा है, तो उस कंडीशन में होगा क्या कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ टैक्स देना होगा जो नोटबुक और यहाँ पे बेचना चाह रहे डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह जो भी होगा। तो कई बार क्या होता है कि कुछ जो पेरेंट्स कंपनियाँ, जैसे कि अब नोटबुक बनाने में जो पेपर यूज़ हुआ वो मान लो कि पेपर USA से जो पेपर है उस पेपर को यूज़ किया गया है, तो अब होगा क्या कि जो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर इस नोटबुक को बना के या इस बुक को ला के यहाँ पे बेच रहा हो क्या करेगा, गवर्नमेंट को दिखा देगा कि सर हम तो वहाँ से खरीद रहे हैं तो भी हमारे खर्चा
ही बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब जो पेपर की कॉस्ट है वही बहुत ज़्यादा है। जैसे कि नोटबुक की कॉस्ट हुआ है 100 रुपये, जबकि वो दिखाई देगा कि सर 80 रुपये के तो हम पेपर ही खरीद रहे हैं। मतलब हुआ क्या, एक्चुअल प्राइस 80 रुपये नहीं है उन पेपर की, एक्चुअल प्राइस उनकी काफ़ी कम है, 10 रुपये 5 रुपये उनकी प्राइस होगी, बट वो दिखा क्या रहा है कि 80 रुपये प्राइस है। वो क्यों दिखा रहा है, क्योंकि देखो उसी की जो पेरेंट्स कंपनी है वहाँ पे यूएसए में, जो पेरेंट्स कंपनी है वो इसी जो पेपर जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर इसी की कंपनी है, तो ऑल ओवर प्रॉफिट तो इस पूरी एक ही कंपनी को जा रहा है ना। चाहे कंपनी दो भागों में डिवाइड हो रही, तीन में उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब हुआ क्या, एक्चुअली से जो इसका प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया जाता है दूसरे स्टेट दूसरे देश के अंदर। वहाँ पे हो सकता है कि टैक्स रेट है वो काफ़ी कम हो। देखो इंडिया, जो एक चीज़ आपको बता दूँ कि डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है ना वहाँ पे टैक्स रेट थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि टैक्स रेट इसलिए ज़्यादा रखी जाती है वहाँ पे क्योंकि अगर वहाँ पे टैक्स के थ्रू रेवेन्यू नहीं होगा तो वो कंपनी वो देश है वो अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो कैसे बूस्ट करेगा। इसीलिए इंडिया जैसी कंट्रीज़ हैं, बाकी और भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर टैक्स रेट ज़्यादा इसीलिए रखी जाती है ताकि वहाँ पर गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज़्यादा हासिल हो और इसकी वजह से होगा कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा कर सकेगी। और जो काफ़ी डेवलप कंट्री होती हैं जैसे सिंगापुर हुआ या फिर यूएस वगैरह, वहाँ पर टैक्स रेट कम होती हैं क्योंकि वहाँ पर ये होता है कि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी काफ़ी सारा पैसा होता है, तो गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा अर्न करना ही नहीं चाहती क्योंकि उसके पास ऑलरेडी काफ़ी उसकी पॉकेट भरी हुई रहती हैं। तो इसलिए क्या है कि जो कुछ ऐसी कंपनी या कुछ ऐसे फर्म वगैरह होती हैं, कुछ कंपनीज होती हैं, वो अपना पैसा बचाने के लिए टैक्स की भाई टैक्स हम क्यों ज़्यादा पे करें, तो एक तरीके से पैसे को बचाने के लिए क्या करती हैं, अपनी पेरेंट्स कंपनी को दिखा देती हैं कि भाई हम तो वहाँ से महंगा खरीद रहे हैं तो हमारे पास कुछ प्रॉफिट नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक तरीके से इसको कहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग, मतलब यहाँ पे जो पैसा था वो दे नहीं रही है वो दूसरी जगह दे रही हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कहती है उनको कि भाई आप जिस भी रेट पे सामान खरीदे हो ना अपनी पेरेंट्स कंपनी से, आप हमें पहले बता दो कि हम इस रुपए में इस रेट पे जैसे सामान खरीदेंगे। जैसे कि नोटबुक का एग्जांपल ले रखा था, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो नोटबुक का जो भी डिस्ट्रीब्यूटर था, जैसे ए डिस्ट्रीब्यूटर था, तो उसको गवर्नमेंट कहेगी कि भाई आप पहले हमें बताओ कि आप पेपर है वो किस रेट पर बाहर से खरीद रहे हो। जैसे कि 80 रुपये आपने पेपर बताया, तो आप हमें रेट पहले ही बता दो ताकि फिर गवर्नमेंट बोलेगी कि 80 रुपये में आप क्यों खरीदो, ये रेट तो आपको इंडिया में सस्ती पड़ रही है, आप बाहर इतनी रेट में क्यों दिखा रहे हो। तो मतलब इसलिए एक्चुअली इस चीज़ को कंट्रोल करने की, जो ट्रांसफर प्राइसिंग हेराफेरी होते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट वो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट है वो साइन करती है। तो ऑल ओवर इसमें हमें यही समझना है कि कुछ कंपनियां क्या है अपने प्रॉफिट को डिवाइड कर देती हैं ताकि कहीं ना कहीं हम दूसरे प्रॉफिट को बचा लें और दूसरे देश में भेज दें, और उस देश में उन्हीं की कंपनी होती है जिससे वो सामान खरीद रही होती हैं, तो सामान के ऑल ओवर तो प्रॉफिट गया कंपनी के पास ही, बट दिखा देते हैं कि सर हमें इंडिया में प्रॉफिट नहीं हो रहा है इसलिए हम वहाँ से सामान खरीदे और हमें कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हो नहीं, तो इसलिए आप हमें टैक्स में हमें छूट दो। तो इसलिए वो टैक्स से बचने के लिए इस तरीके के जो शॉर्ट कट हैं, इसलिए हथकंडे हैं वो अपनाती रहती हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने भी एक एग्रीमेंट है वो साइन किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम आगे आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो मेनली है पे एज यू यूज टोलिंग। तो आपको बताना है कि पे एज यू यूज टोलिंग जो एक गवर्नमेंट के द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट किया गया है मेनली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, तो यह कौन से हाईवे पे स्टार्ट किया जा रहा है सबसे पहले आपको बताना है। यह भी गवर्नमेंट एक साल के लिए स्टार्ट करी है इस पायलट प्रोजेक्ट को। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि भाई जितना आप टोल जितनी आप मतलब हाईवे यूज करोगे उतनी के अकॉर्डिंग आपको टोल है वो देना पड़ेगा। मतलब जैसे आपने 20 किलोमीटर हाईवे यूज किया तो आपको उसके अकॉर्डिंग टोल देना होगा। इसमें GPS वगैरह के थ्रू जो भी मॉनिटरिंग है वो की जाएगी और उसी के आधार पर अकाउंट से पैसा वो कटेगा। तो आपको बताना कि सबसे पहले कौन से हाईवे पे इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट हो किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग फ्रेमवर्क हो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। तो आपको ये बताना कि स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में कौन सी मिनिस्ट्री है। अगला क्वेश्चन हुआ है प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप स्कीम के बारे में PMRF। तो आपको बताना कि PMRF स्कीम के बारे में पहला ऑप्शन ये दिया गया इसमें कि इसमें फाइनेंशियल एड है वो दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा ये है कि इसमें सभी स्टूडेंट्स हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, मतलब जो स्कूलिंग स्टूडेंट हैं कॉलेज स्टूडेंट हैं उन सबको इसमें इस स्कीम में शामिल किया गया है। तो आपको बताना कि कौन सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द ग्रेट इंडिया ब्लॉक ट्रेन जो कैंपेन है वो क्या है, इसके बारे में आपको बताना है कि द ग्रेट इंडिया ब्लॉक ट्रेन कैंपेन के बारे में आपको बताना है। तो ये हैं चार क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमने पहले देख लिया अग्नि मिसाइल के बारे में, तो अब चलते हैं हम कल के क्वेश्चन की तरफ। एक बार कल का जो क्वेश्चन था वो पहला था साल रिवर के बारे में, जो हमने आज डिस्कस किया कि साल रिवर है वो मेनली गोवा की थर्ड लार्जेस्ट रिवर है जो कि अरब सागर में गिरती है और यह मेनली गोवा में नॉर्थ टू साउथ की तरफ फ्लो करती है। तो उसको एक्चुअली अभी गवर्नमेंट है वो मतलब नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के तहत उसको कंजर्व है वो करना चाहती है। अगला जो क्वेश्चन था कल का वो था ITEWC इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर के बारे में। तो उसमें तो दोनों स्टेटमेंट थे सही थे कि है एक ऑटोनोमस बॉडी है इंडिया की, इसके साथ ही इसे इंडियन सेंटर फॉर ओशियन इन्फॉर्मेशन सर्विस हैदराबाद और अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आती है, तो वो ऑप्शन भी बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन था वो था आईओसी के बारे में, इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन के बारे में। तो देखो जो इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन है उसे यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1961 में, उसके तहत बनाया गया था, तो वो ऑप्शन भी उसमें सही आता है। इसके बाद में था कि इसका जो मेन फोकस होता है वो सुनामी की वार्निंग और इसी के साथ जो ओशियन रिसर्च होती है, ऑब्जर्वेशन होती है, उसके डाटा को एक्सचेंज करने पर होता है, तो वो ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन था वो था सी एस आई आर के बारे में। तो सी एस आई आर के बारे में ये था कि पहला ऑप्शन था कि एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत बनी हुई, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन इसमें ये था कि इसे 1942 में बनाया गया था, तो ये भी सही है। देखो हमें यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना एग्जाम में कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत बनी हुई है जबकि इसे इस्टेबल किया गया 1942 में, दिया इन चीज़ों में थोड़ा कन्फ्यूज़ नहीं होना है क्योंकि जो एक्ट है वो काफ़ी पहले का बना हुआ है, तो इसलिए ये चीज़ें हमें थोड़ी यहाँ पे एग्जाम में ध्यान रखनी है। तो ये थे कल के क्वेश्चंस। तो एक बार आज हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। देखो आज हमने सबसे पहले सोलर सिटी स्कीम के बारे में डिस्कस किया कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो सिटीज़ में, जो अर्बन एरियाज़ में जो ग्रीन हाउस गैसों की समस्या है उसको कंट्रोल किया जाए और मेनली रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस किया जाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। इसके बाद हमने देखा कि नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा 1995 में स्टार्ट किया गया था रिवर को पोल्यूशन से बचाने के लिए। इसके बाद में हमने वर्ल्ड गवर्नमेंटल समिट के बारे में डिस्कस किया जो कि हर साल दुबई में आयोजित होता है, 2013 से आयोजित किया जा रहा है और अभी इसका छठा सेशन है वो आयोजित किया जा रहा है, तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें मेनली इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जाता है। इसके बाद में हमने अगले न्यूज़ थी वो थी डिजिटल जेंडर एटलस के बारे में, जिसके बारे में हमने देखा कि ये मेनली सिक्योर जो गर्ल्स होती हैं सेकेंडरी लेवल की उनके बारे में स्कूलिंग को फोकस कर दी कि भाई वो स्कूल में क्यों नहीं जा रहे हैं और उसके लिए ज्योग्राफिकल एरिया उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि इन एरियों में गर्ल्स हैं स्कूल में नहीं जा पा रही हैं और यूनिसेफ की हेल्प से इसे इंप्लीमेंट इस एटलस को बनाया गया है। इसके बाद में हमने अगली फेस्ट मिसाइल के बारे में देखा जो कि एक स्वदेशी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और न्यूक्लियर वार हेड के लिए कैपेबल है, रेंज जैसे कि 700 किलोमीटर। इसके बाद में हमने एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट देखा कि क्या है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन, आज की डिस्कशन इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।